छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की बात करेंगे, जहां पर जिले की ग्राम पंचायत कटकोना में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग कराने पहुंची रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हुई वोटिंग की जानकारी नहीं देने को लेकर बवाल मच गया। शाम 6 बजे से लेकर की रात को 10:30 बजे तक महिला सरपंच और पंच उनकी कार के सामने जमीन पर बैठ गए। SDM बैकुंठपुर मौके पर पहुंची, तब जाकर की दोबारा वोटिंग के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है और रिटर्निंग अधिकारी वहां से जा पाई। वहीं पंचायत सचिव शाम 6 बजे ही कार्रवाई पंजी को लेकर के घर निकल गए। आपको बता दें कि कटकोना ग्राम पंचायत में सरपंच विरंची सिंह को लेकर लगातार शिकायतें आती रही। पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सरपंच विरंची सिंह विश्वास हासिल नहीं कर सकी हैं। को मेरे को जानकारी मिली है, वहाँ पे कटकोना के सरपंच को लेकर कुछ वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव हुआ था, उसमें 3 मतों को लेकर कुछ वहाँ पे इशू क्रिएट हुए। तो SDM ने जाके वहाँ पे निराकरण किया, तब मेरा प्रतिवेदन यहाँ के स्थिति किया और जैसे मेरे को रिपोर्ट आती है तो उचित कार्रवाई जो भी है न्यायिक होता है। धारा 40 का आवेदन कटकोना ग्राम पंचायत के पंचों ने SDM कार्यालय में प्रस्तुत किया था, उसके लिए विधिवत समय हमने उनको 3 अक्टूबर का दिया था, जिस दिन तहसीलदार कोठा सिंह अधिकारी के रूप में वहाँ पर जाकर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को संपन्न कराते। क्योंकि ग्राम पंचायत में 3 जो वोट पड़े उसमें से 3 वोटों को लेकर, वोटों के रिजेक्शन को लेकर कुछ दिक्कत हो गई और जो पंचायत कमेटी है और तहसीलदार कोठा सिंह अधिकारी एक मत नहीं हो पाए, जिसके कारण से वहाँ पर थोड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण पंचायत विभाग तब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और और आज चुनाव था, चुनाव का समय था 2 बजे और मैडम आई है 4:30 बजे, जिसके बाद फिर चुनाव का कार्यक्रम चालू हुआ, फिर वोट को समझाई कि मतलब इस टाइप से देना है, राइट और क्रॉस का चिन्ह बताई और बोली कि मेरा साइन नीचे रहेगा।